आसान तरीका, सबसे आसान तरीका जिससे आप चिकन मास्टर कर सकते हो इजीली, 10 किल करने पड़ते हैं, आसान, झूठ नहीं बोलूँगा। अगर आप एक दो मैच में मर भी जाते हो तब भी 15 गेम में 20 गेम में आप चिकन मास्टर आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बस इनको फॉलो करना है जो मैं बताऊँगा, ठीक है। डिफरेंट ट्रिक्स हैं टोटल, जो आपको बाकी सब यूट्यूबर्स ने बताया है कि अपने फ्रेंड के साथ भी खेल लो कभी, मतलब मैचिंग में आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं है, लेजिट तरीका बताऊँगा, ठीक है। तो उससे पहले जान लेते हैं क्या क्या करना होता है। आपको विनिंग किल्स जो होता है, एक स्नाइपर से, एक एआर से, एक एसएमजी, एलएमजी, थ्रोएबल्स, ग्रेनेड एंड मॉली कुछ भी आता है इसमें, व्हीकल से, क्रॉसबो से, पैन से एंड पिस्टल से किल करना पड़ता है। एसएमजी में आती है आपकी UMP9, वेक्टर एंड उजी, और एलएमजी आती है आपकी DP28 एंड M249। ओके, सो मैं आपको इसमें एलएमजी, एआर, मतलब हाँ एलएमजी, एआर एंड एसएमजी क्या नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सेम है, आप नॉर्मल गेम में बहुत कोई को हो भी गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो ये नॉर्मल से गेम में कर सकते हो आप लोग आसानी से, ठीक है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं होती है, लेकिन बाकी सब गेम खेलने के लिए, मतलब बाकी सारे टाइटल्स के लिए, पैन के लिए जैसे, क्रॉसबो के लिए, इन सब के लिए आपको एक स्ट्रेटजी बना के खेलनी पड़ती है, और मैं बताऊँगा वो कैसे, बहुत ईजीली आप कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। सो एक मिनट, वीडियो शुरू करने से ये ख़त्म हो जाए जल्दी से, फिर वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। तो हमारा पहला टॉपिक होगा पैन, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना कि अगर आपका प्लेटिनम टायर एवब होगा तभी आप कर पाओगे सोलो में, वो भी सोलो में चाहिए आपको। तो पैन के लिए आप पूरे गेम में कैसे खेलते हो उस पर डिपेंडेंट नहीं करता, आपको जो फाइनल सर्कल होता है इस पर डिपेंड करता है। आपको फाइनल सर्कल में अपना प्रोफाइल लो रखना है एंड बस बंदे को स्पॉट करना है। ओके, अब बाकी सब क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, मैचिंग में जाते हैं एंड देन अपने फ्रेंड को बोलते हैं एनमी को मार दे, मैं तुझे पेन से मार दूंगा, हो जाएगा। तो वो बहुत लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जैसे मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं कोई खेलता नहीं है। ओके, सो अब मैंने बस अपना प्रोफाइल लो रखा है, यहाँ पर बंदे को स्पॉट किया कि वो सामने पत्थर पे प्रोन हो रखा है, ठीक है। अब देखो सैनोक इसके लिए बेस्ट मैप है, क्योंकि सैनोक में मोस्टली सर्कल बाहर बनता है, लोग सांप बन जाते हैं और सांपों पर ज़्यादा एडवांटेज नहीं रहता है, ठीक है। तो देखो वो बंदा सांप बना हुआ था सामने, मैंने स्मोक किया उधर क्योंकि मैं उधर से ही जाऊंगा, और उसके ऊपर एक स्टन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो अंधा हो जाए। आपको भी यही करना, स्टन का यूज़ करना, अगर बंदा आपको सांप बना हुआ स्पॉट हो जाता है आपको बस स्टन फेंक देना उसके ऊपर, क्योंकि वो अंधा हो जाएगा और आपके ऊपर एडवांटेज रहेगा उसके पीछे जाकर अटैक कर देने का। देखो बेचारा अले ले ले बेबी तो देख लो पैन का कितना ईजिली हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सब बताऊँगा, बहुत ईजी, बहुत ईजी, वीडियो को बिना स्किप किए देखना, ठीक है। सो अब आते हैं अपने स्नाइपर पे, ठीक। तो स्नाइपर का क्या है, थोड़ा अलग है, आपका पूरे गेम पे आप जो परफॉर्मेंस रहता है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप रश गेम प्ले खेलते हो तो आप स्नाइपर बेटर कर सकते हो। ओके, और फाइनल सर्कल में एक चीज़ ध्यान देना कि आपको हर एक घर में रश करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनल सर्कल आपको ऐसे खेलना पड़ेगा ताकि आपका सर्कल बड़ा रहे, ठीक है, और घर वालों बंदों को आप रश कर करके ईजिली मार दो, ताकि जो आखिरी बंदा रहे वो बाहर आपको मिल जाए, ठीक है, ऐसा गेम होना चाहिए। सो मैंने वही किया, मैंने रश कर करके खेला, घर घर घुस घुस करके बंदों को मारा ताकि आखिरी बंदा मुझे बाहर मिल जाए, ठीक है। और बड़ा सर्कल में आपको पता है कि सांपों को स्पॉट करना कितना आसान काम है, ठीक है। तो आपको यही करना है, टिप नंबर 1, कि घर में घुस घुस करके रश करना है ताकि आपको आखिरी बंदा बाहर मिले। ओके, और बस फिर क्या है, आखिरी बंदा बचा जब बाहर में है तो स्पॉट करना कौन सी बड़ी बात है, अपना स्नाइपर उठाना है, स्पॉट करना है बस, और स्पॉट होते ही बूम मार देना, और क्या। तो देख लो अभी फिर मारूंगा ऐसे ही, अभी मुझे पता नहीं वो किधर है एक्चुअली, तो काइंड ऑफ हल्का फुल्का अंदाजा है, दिख गया बूम। तो बस इसी तरह से आपको भी करना है। ओके, तो अब आते हैं अपने थर्ड क्रॉसबो पे। तो भाई साहब ये बहुत अलग है, डिफरेंट एकदम, आप जो नॉर्मल गेम प्ले खेलते हो रस वाला वो करना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपको इसमें अपना प्रोफाइल बहुत लो रखना पड़ता है, बहुत लो प्रोफाइल खेलना पड़ता है इसमें, ठीक है। आखिरी सर्कल में आप पहुँच जाते हो, ठीक है। पहली बात तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपको अगर क्रॉसबो मिले तो उसे इग्नोर नहीं करना है कि बाद में उठा लूँगा, बाद में मिल जाएगा, नहीं भाई वो जल्दी नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपको जब मिले तभी उठा लेना है। ओके, और टिप नंबर 2 ये है कि अपना प्रोफाइल काफ़ी लो रखना है, ठीक है। आपको बस
एक सर्कल में जाना है, ठीक है, घर को होल्ड करना है या फिर कहीं पे भी रॉक किसी पत्थर वत्थर कवर लेकर के होल्ड करना और बंदे को स्पॉट करना है। आपस में लोग लड़ रहे हो कुछ भी, आपको कुछ इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है, जब तक आखिरी बंदा ना बचाओ, ठीक है, जब तक आखिरी बंदा आपके सामने, भले ही बंदा दिख रहा हो आपके सामने है, ठीक है, तब भी आप उसे मारोगे नहीं, क्योंकि हो सकता है मे बी वो आखिरी बंदा बच जाए, ठीक है, तो आप स्पॉट कर सकते हो। अगर पहले कर चुके होगे तो किल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो इसलिए आपको बस प्रोफाइल लो रखना और वेट करना है जब आखिरी बंदा बचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने बंदे को, मैंने प्रोफाइल लो रखा, उस बंदे ने सबको मारा, मैंने उसे स्पॉट किया और बूम, मैंने उसे मार दिया। तो देखो क्रॉसबो का भी कितना इजीली हो गया, ठीक है, जो लोग नहीं कर पाते हैं, मैंने कितना इजीली कर लिया। और अगर स्नेक बना हुआ है तो आप स्टंट भी फेंक सकते हो उसके ऊपर, स्टंट फेंको, अंधा हो जाएगा, फिर आराम से अगर एक शॉट बॉडी शॉट लग गया तो दूसरा शॉट ले लेना, क्या दिक्कत है, वैसे भी अंधा हो जाता है 5 सेकंड के लिए वो तो, ओके। तो शॉटगन के बारे में आते हैं अब। तो देखो शॉटगन का गेम में आप अगर 2 शॉटगन रख के खेलोगे तो बहुत क्लोज जाएगा। मैंने देखा है बहुत लोगों को, मेरे फ्रेंड लोगों भी जब रेटल कर रहे थे तो वो लोग 2 शॉटगन रख के खेलते, तो भाई वो गलत हो जाता है कहीं कहीं। और एक स्नाइपर भी नहीं रखना आपको, ठीक है, शॉटगन में, तो क्योंकि कभी कभी आपको स्प्रे करना रह जाता है। अगर शॉटगन की बुलेट्स खत्म हो गई क्लोज रेंज में तो आप स्नाइपर पे, तो स्नाइपर तो शिफ्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप सराउंड तो हो नहीं, भाई मैं भी सराउंड नहीं हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करूँगा आप LMG रखो, LMG बेस्ट है, क्योंकि लॉन्ग रेंज में आप स्प्रे कर सकते हो, ठीक है, इस LMG की आपकी स्प्रे पता ही है कितनी OP होती है। और क्लोज रेंज में भी अगर शॉटगन की आप फाइट नहीं लड़ सकते हो तो LMG से फाइट ले सकते हो। LMG बोले तो DP28 एंड M249 कितनी स्टेबल होती है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे बंदा स्पॉट करना था, मैंने उसे स्पॉट किया, वो सामने वाले घर में था। अब मुझे, मेरे पे एक एडवांटेज ये था कि मेरे पे कवर था, हालांकि मैं स्पॉटेड था, वो मेरे पे नेड भी करता है, पर एक एडवांटेज ये था कि जोन आ रहा था वो, ठीक है, तो उस जोन से भागकर जोन में आना था, मतलब ब्लू जोन से भागकर सेफ जोन में आना था। तो वो आया, मैंने उसका जोन कट ऑफ किया और इजिली किल कर दिया, शॉटगन का बीज था। ओके, अब पिस्टल के बारे में आते हैं। तो भाई देखो पिस्टल का ऐसा है कि लास्ट सर्कल में जितने कम बंदे बचे उतना बेटर, ठीक है, आपको बंदा स्पॉट हो आपको मौका ही नहीं देना है, ठीक है, किल फीड पे ध्यान देते रहना, लास्ट बंदा किधर से गोली चलाया क्या किया, ठीक है, ध्यान देते रहना ताकि आपको पता चल जाए कि बंदे की डायरेक्शन किधर से है। ये वीडियो पुरानी है इसलिए मेरे पास उस टाइम ना P18 सी थी, मिली थी नहीं गेम में, और ना ही स्कॉर्पियन उस टाइम आई थी गेम में, ठीक है, तो 4.5 वाली गन थी है, वो वाली यूज़ कर रहा था मैं। मैंने मुझे अंदाज़ा था कि बंदा उधर ही है, ठीक है, मैं बस वेट किया बंदे के जंप करने का, ठीक है, मेरा एम काइंड ऑफ थोड़ा अच्छा है, तो आपका भी एम अगर अच्छा हो तो ज़्यादा बेटर जाएगा, अगर एम अच्छा नहीं तब तो स्कॉर्पियन आ गई तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ईजिली हो गया, देखो पेन का, सॉरी पिस्टल का भी। ओके, वहीकल, भाई वहीकल का देखो भाई, सब पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि भाई सर्कल बहुत बड़ा होना चाहिए, आखिरी सर्कल में आपको बहुत रश करके खेलना ही पड़ेगा, आपको लेविनो शिनो शिवो या पांडा जो भी जो जिसका भी अब भाई बहुत गुस्सा लेना उसका अपने अंदर, ठीक है, एकदम आपको रश करके खेलना पड़ेगा आखिरी बंदे को मारने के लिए इसमें, क्योंकि आपको बड़ा सर्कल चाहिए और बाहर चाहिए। इसके लिए बेस्ट मैप है सिर्फ इरेंगल एंड विकेंडी, सॉरी इरेंगल एंड क्या है मिरावर, क्योंकि शैनहॉक में एंड विकेंडी में जोन लास्ट जो सर्कल होता है वो काफ़ी जल्दी श्रिंक होता है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि भाई आपकी गाड़ी की स्पीड 60 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि 60 अगर प्लस नहीं होगी तो बहुत बंदों को ये नहीं पता कि 60 प्लस नहीं होती है तो बंदा आपका जो एनिमी है वो गाड़ी के ऊपर आ जाएगा और काइंड ऑफ वो आपको दिक्कत करेगा फिर बाद में, ठीक है, क्योंकि वो गोली चला सकता है आपके ऊपर। तो गेम हारने से अच्छा है भाई 60 प्लस स्पीड रखो, रश करके खेलो, जोन बड़ा रहे, आखिरी बंदा बाहर रहे, ठीक है, रश करके खेलना है, घर घर वाले बंदों को मारना है, ठीक है, और इजिली आप कर सकते हो फिर ये। और इसमें थोड़ा लक भी डिपेंड करता है कि अगर आपका बंदा प्रो रहा बहुत ज़्यादा तो काइंड ऑफ वो दिक्कत कर सकता है, हो सकता है आप उस गेम में बच जाओ, कोई नहीं, हिम्मत नहीं आना बोला, इतना आसान टाइटल नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं थ्रोएबल, तो थ्रोएबल सबसे ईजी है भाई, सही बताओ सबसे ईजी, आपको बस कुछ नहीं करना है, जो लास्ट सर्कल में बंदे हैं बाकी सारे बंदे उनको मारना है, आखिरी बंदे को स्पॉट करना है, वो कहीं कहीं कैंपिंग कर रहा होगा, ठीक है, अगर सांप बना हुआ है तो और भी अच्छा, भाई थ्रोएबल फेंकना तो है, कौन सा उसके सामने जाना है, ठीक है, बस कुक करना है, कुक करके फेंकना, अगर उसके सामने आप पत्थर ऐसा उठा के फेंकते रहोगे बार बार तो देखेगा भाई ग्रेनेड आ रहा है वो बार बार हट जाएगा, एकदम कुक करना, आखिरी के जो 3 सेकंड्स बाकी रहेंगे उसमें फेंकना, ठीक है, एंड वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपने ये सब कुछ अच्छे से कर लिया तो भाई आपको कोई नहीं दुखता ये टाइटल लेने से, सिवाय आपकी मम्मी, क्योंकि गेम बीच में बंद करवा सकती है आपकी मम्मी, ठीक है। तो अगर आपने ये सब कर लिया तो भाई कोई नहीं दुखता आपको टाइटल लेने से, ये 15 मैच 20 मैच बहुत होता है भाई टाइटल को लेने के लिए, प्लेटिनम में होना जरूरी है, ठीक है, और मैंने जो बताया याद रखना, ठीक है, उसे बस स्टन का प्रॉपर यूज़ करना है, क्योंकि लास्ट में मोस्टली बंदे सांप बने रहते हैं, ठीक है। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।